नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से न्यूज रूम पोस्ट में। बिग बॉस का बीता दिन काफी हंगामों भरा रहा। पहले तो एपिसोड की शुरुआत ही खानजादी रिंकू और ऐश्वर्या के झगड़े से हुई, जिसमें खानजादी और रिंकू के बीच जंग छिड़ गई और दोनों ने एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाले। इसके बाद एक बार फिर अंकिता लोखंडे शो में सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेती नजर आई और कहा कि उन्होंने सुशांत का 2.5 सालों तक इंतजार किया। इसके बाद शुक्रवार का वार शुरू हुआ। सलमान खान ने घर वालों के साथ आते ही गुस्से में बात की। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही मूड खराब करके आए हैं। सलमान ने सबको ये भी कहा कि जब पिछले हफ्ते करण जौहर आए थे तब भी सबने उनकी इज्जत नहीं की थी, और साथ ही ये भी कहा था कि करण और सलमान के आगे घर के बाहर कोई नहीं है, लेकिन ये सभी घर में इस बात को नहीं समझ रहे हैं। सलमान खान ने जैसे तैसे बिग बॉस के कहने पर शो तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनका इस शो को होस्ट करने का अब बिल्कुल मन नहीं है। सलमान खान को अभिषेक पर अपना आपा खोते हुए भी देखा गया। सलमान ने अभिषेक को कहा कि चार्ज करना, चिल्लाना सबसे नकली कंटेस्टेंट, अगर घर में सबसे नकली कंटेस्टेंट कोई है तो वो है अभिषेक कुमार। अभिषेक से उन्होंने आगे कहा, वही आवाज आप मुझ पर इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। ईशा को ये कहना कि रात को कहीं और जाकर और दिन में कहीं और, अगर ये बात आप मेरे सामने करते तो मैं आपको निचोड़ देता। सलमान ने न सिर्फ अभिषेक को बल्कि मनारा की भी उन्होंने क्लास लगाई। उन्होंने मनारा से कहा कि अब बहुत हो चुका बच्चों वाला तरीका और उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा। साथ ही सलमान खान ने मुनव्वर फारूकी को भी डांटा और उन्हें कहा कि आप मनारा को समझाना बंद कर दीजिए, वो आपकी बात नहीं समझेंगी। सलमान कहते हैं कि मनारा भी अलग ही गेम खेल रही है। अभिषेक को सुनाने के बाद सलमान खान ने एक बार फिर से पिछले दिन की क्लिप दिखाई, जिसमें अभिषेक ईशा पर चीख रहे थे और उन्हें भला बुरा कह रहे थे। बीते एपिसोड में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं दिखाई गई। अब शायद आज वीकेंड के वार में ये वाइल्ड कार्ड एंट्री पर से पर्दा उठ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।